पिछले कुछ दिन से मेरे व्हाट्सएप में एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब भी कोई मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करता है तो जो मैसेज का साउंड है नोटिफिकेशन का वो नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम ना सिर्फ व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन में आ रही है बल्कि ज़्यादातर ऐप्स के नोटिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है। जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है उसका साउंड मुझे सुनाई नहीं देता, जबकि जो वॉल्यूम है यहाँ पर इसकी जो वॉल्यूम है वो मैंने फुल कर रखी है। ठीक है, तो आखिर ये प्रॉब्लम क्यों आती है, आप कैसे ठीक कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। अभी देखिए, सबसे जो मेन रीज़न है ये प्रॉब्लम आने का वो यही है कि अगर आपके पास आपने कोई लेटेस्ट स्मार्टफोन ख़रीदा है तो उसमें ये नया एक अपडेट ऐड किया गया है कि अगर आप वॉल्यूम बटन पर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो पहले यहाँ पर सिर्फ तीन ऑप्शन आते थे। ये देखिए, एक तो जो रिंगटोन का होता है, ठीक है, इसमें ही नोटिफिकेशन वॉल्यूम कंट्रोल होती थी। ठीक है, ये नोटिफिकेशन है, सॉरी, कोई कॉल वगैरह नोटिफिकेशन आए तो ये उसके लिए ये है, और कोई गाने वगैरह सुनते हैं, मीडिया फाइल्स, उसके लिए ये है, और अलार्म के लिए ये है। लेकिन अभी ये एक और ऐड कर दिया गया है। ठीक है, ये है नोटिफिकेशन का, सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन के लिए ये है। तो आप देख लीजिए आपके मोबाइल का जो वॉल्यूम बटन है इसको दबाकर आप एक बार देख लीजिएगा। अगर आप लीजिएगा, अगर इसमें यहाँ पर ये फोर्थ वाला ऑप्शन है तो आप समझ जाइएगा ये नोटिफिकेशन का ही है। आप इसको जितना ज़्यादा करेंगे आपके मोबाइल में वॉल्यूम, जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा, फिर चाहे व्हाट्सएप का हो या कोई और, उसकी वॉल्यूम उतनी ज़्यादा रहेगी, और अगर कम करेंगे उतनी कम वॉल्यूम रहेगी। तो मेन रीज़न तो यही है, लेकिन फिर भी और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, चलिए अभी उनके बारे में बात करते हैं। आप व्हाट्सएप की जो नोटिफिकेशन सेटिंग है उसमें जाकर एक बार देख लीजिए। इसके लिए थ्री डॉट्स पर क्लिक कीजिए, सेटिंग्स में आ जाइए, यहाँ पर नोटिफिकेशन वाली जो सेटिंग है इस पर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर आप एक बार चेक कर लीजिए कि सारी नोटिफिकेशन ट्यून यहाँ पर चालू होनी चाहिए। जैसे कन्वर्सेशन ट्यून है ये, तो चलो मैसेज ट्यून है ये, देख लीजिए मेन मैसेज ट्यून, इस पर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर साउंड पे क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सी रिंग ट्यून आप रखना चाहते हैं, जैसे ये वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्यून आप रखना चाहें वो यहाँ पर रख सकते हैं, ओके पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर, यहाँ पर अगर नन हो तो कोई आपकी फेवरेट ट्यून यहाँ पर आप सेट कर लीजिए। ठीक है, और ग्रुप्स के लिए भी आप चाहें तो यहाँ पर मैसेज ट्यून सेट कर सकते हैं, और कॉल्स के लिए भी यहाँ पर कर सकते हैं। एक सेटिंग ये हो गई। एक और सेटिंग है जो आप कर सकते हैं, हो सकता है उसमें आपकी प्रॉब्लम हो। यहाँ पर जो व्हाट्सएप आपका उस पर लॉन्ग प्रेस करके रखिए, यहाँ पर आपको ऐप इन्फो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। अभी यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करें, और यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, इसको चालू कर दीजिए। नीचे जाइए, यहाँ पर आपको, यहाँ पर साउंड नाम से भी आपको सेटिंग मिल जाती है। देखिए, सभी फ़ोन में अलग अलग सेटिंग होती है, तो अगर यहाँ पर इस लिस्ट में आपको साउंड सेटिंग नाम से कोई सेटिंग दिखाई दे, नोटिफिकेशन दिखाई दे, तो उसको आप चालू कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये हो गई। एक और है, वो भी आपको बता देते हैं। आपको जाना है मोबाइल की सेटिंग्स में, और यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करना है। में भी आपको नोटिफिकेशन साउंड का अलग से एक ऑप्शन मिल जाता है। फिलहाल मेरे फ़ोन में यहाँ पर नहीं है, लेकिन बहुत सारे फ़ोन में होता है। ठीक है, एक चीज़ और, यहाँ पर ये जो वॉल्यूम दी गई है इसको चेक कर लीजिए। नोटिफिकेशन की अलग से यहाँ पर अगर दी गई है, जैसे कि मेरे फ़ोन में दी गई है, तो आप इसको कम या ज़्यादा यहाँ पर कर सकते हैं। और नीचे और चलिए, यहाँ पर भी आपको दिखाई दे सकता है। मेरे फ़ोन में सिर्फ वो वाली सेटिंग है ऊपर वाली, आपके फ़ोन में देख लीजिए, अगर नोटिफिकेशन साउंड की कोई सेटिंग है तो आप उसको चालू कर लीजिएगा। इतनी सेटिंग करने के बाद 100% आपकी ये जो प्रॉब्लम है व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन का साउंड नहीं आता है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।